पृथ्वी पर महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई और आज इनका वितरण कैसा है, यह एक भौगोलिक और यह एक भौगर्भिक उत्सुकता बनी रही है। और इससे संबंधित कई विद्वानों ने, जैसे लॉर्ड केल्विन ने अपना विचार दिया और उसी में मॉडिफाई करके और वर्तमान महाद्वीप और महासागर के वितरण को ध्यान में रखते हुए लोथियन ग्रीन महोदय ने चतुष्फलक सिद्धांत की परिकल्पना किया, टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस। और ये बात है बहुत पुरानी, 1875 की, और इसमें आज वैज्ञानिक अनुसंधानों और वैज्ञानिक सिद्धांतों के कारण बहुत संशोधन हो गए हैं और यह सिद्धांत आलोचना का पात्र है। फिर भी श्रेय जाता है लोथियन ग्रीन को, क्योंकि उन्होंने उत्तर से प्रश्न को सॉल्व कर डाला। कैसे किया, आइए हम लोग देखते हैं कि टेट्राहेड्रन क्या होता है और उन्होंने क्या हाइपोथेसिस बताया। लोथियन ग्रीन ने बताया कि हमारी पृथ्वी प्रारंभ में एक गर्म गैस का गोला थी और यह अपने अक्ष पर घूम रही थी और धीरे धीरे इसका बाहरी भाग ठंडा हुआ वायुमंडल के संपर्क में आकर, और ठंडा होने से कोई भी चीज़ सिकुड़ती है। धीरे धीरे यह सिकुड़ी और सिकुड़ने का परिणाम हुआ कि कुछ भाग ऊंचे उठ गए और कुछ भाग नीचे दब गए। इस प्रकार इसमें एक संकुचन हुआ और इनका सिद्धांत संकुचन से संबंधित है। अब इन्होंने वर्तमान महाद्वीप और महासागर के वितरण को ध्यान से देखा और उसके अनुसार अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने देखा कि यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और इसी के ठीक सीध में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। फिर इन्होंने पाया कि इसके पश्चिम में यह प्रशांत महासागर जो गहरा है और यह संकुचन का परिणाम है, और संकुचन पृथ्वी के मौलिक संकुचन में कुछ भाग ऊंचे उठ गए, अर्थात नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ऊंचा उठ गया जबकि प्रशांत महासागर का क्षेत्र दब गया, और नॉर्थ और साउथ अमेरिका के पूरब में उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर भी दबा हुआ भाग है और उसमें भी वायुमंडल से बरसात का जल इकट्ठा हुआ जैसे प्रशांत महासागर के गहरे भाग में। फिर यदि आप अटलांटिक महासागर के पूरब देखते हैं तो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप एक रीढ़ पर बने हैं, स्थित हैं, अर्थात ये भी भाग उठ गया, और इसके फिर पूरब में जाने पर इंडियन ओशन गहरा हो गया जो दब गया, और पूरब जाने पर एशिया महाद्वीप और उसी के साउथ में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप उठ गया। इस तरह से इन्होंने देखा कि हमारे इस पृथ्वी पर उठा हुआ भाग तीन है, अर्थात तीन एज हैं, एक नॉर्थ और साउथ अमेरिका, और इसके दोनों साइड में दबा हुआ चौरस है, प्लेन है, दूसरा यूरोप और अफ्रीका, और तीसरा एशिया और ऑस्ट्रेलिया। शेष भाग दबे हुए हैं, गहरे हैं, बेसिन हैं जिसमें वायुमंडल से वर्षा का जल इकट्ठे हो गया और वो सब डूब गए, जलाप्लावित हो गए, महासागर बन गए। लेकिन ये ऊंचे उठे भाग पर पानी नहीं भरा, ऊंचे रह गए और कॉन्टिनेंट बन गए। इस तरह से इन्होंने एक कल्पना किया कि यदि किसी स्फीयर को, पृथ्वी एक स्फीयर थी और ये गर्म गैस की बनी थी, इन्होंने कल्पना किया कि यदि किसी स्फीयर को यदि चारों तरफ से प्रेशर बना के दबाया जाए तो उसका रूप टेट्राहेड्रन या चतुष्फलक हो जाता है। चतुष्फलक में चार फलक होते हैं और उसमें एज होती हैं, एपेक्स होते हैं। लोथियन ग्रीन ने वर्ल्ड के मैप पर महाद्वीपों और महासागर के वर्तमान वितरण को देखते हुए, यानी उन्होंने उत्तर देख लिया और उसके बाद समस्या का समाधान किए या प्रश्न को सॉल्व किए, और इस तरह से उन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी एक स्फीयर थी और इस स्फीयर को यदि दबा दिया जाए, दबाने का बल क्या था, संकुचन बल,
संकुचन का कारण क्या था, शीतलन, पृथ्वी का शीतल होना, तो इसमें चार फेजेज बन जाएंगे और वही चार फेज की आकृति होती है टेट्राहेड्रन या चतुष्फलक। जैसे आप देख रहे होंगे यह आकृति टेट्राहेड्रन है, चार फलक हैं इसमें, एक फलक ऊपर का हो गया, दूसरा फलक, तीसरा फलक और ये चौथा फलक, चार फलक का यह है। और पृथ्वी शुरू में जब गैस का गोला थी तो वह एक स्फीयर थी, लेकिन संकुचन के कारण इसका ऐसा स्वरूप बन गया। और यदि इन फलक में महासागर और महाद्वीप का वितरण देखें तो आप ये स्पष्ट हो जाएगा कि यह यदि अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक में नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक, तो इसके पश्चिम में यह ऊंचा उठा भाग नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। और अटलांटिक महासागर के नॉर्थ और साउथ अटलांटिक महासागर के पूरब में यह जो रिज है या जो एज है, किनारा है, इस पर यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप हैं, क्योंकि इन पर जल नहीं भरा, जबकि नॉर्थ साउथ अटलांटिक ओशंस गड्ढे थे, संकुचन के परिणाम थे, इन पर जल भर गया। इस तरह से यूरोप और अफ्रीका के पूरब में देखें तो यहाँ पर इंडियन ओशन भी एक संकुचन का ही परिणाम है, इसमें भी जल भर गया। और इंडियन ओशन के फिर पूरब में देखें तो ये है एशिया और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, जो कि रिज पर बसे हैं या एज पर बसे हैं, इन पर पानी नहीं भरा। और इसके ठीक पीछे यहाँ देखें कि ये है आपका पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। इस प्रकार से टेट्राहेड्रन यही आकृति है। टेट्राहेड्रन चतुष्फलक वह आकृति होती है जिसका वॉल्यूम सरफेस एरिया के सापेक्ष मिनिमम होता है। तो इस तरह से इन्होंने यह टेट्राहेड्रन का कंसेप्ट बताया, और इसी संकुचन का ही परिणाम है यह नॉर्थ पर भी आर्कटिक ओशन की स्थिति। अब लुथियन ग्रीन ने बताया कि महासागर किस तरह से फेसेस पर हैं और महाद्वीप एज या किनारों पर स्थित हैं। इन्होंने एक चीज और बताया कि इसमें एपेक्स या ये जो तिकोने निकले हुए हैं, एपेक्स पर शील्ड हैं या अस्थाई या दृढ़ भूखंड हैं। जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ और साउथ अटलांटिक ओशन के उत्तर में या उत्तर पश्चिम में यहाँ पर है लॉरेंसियन शील्ड, कनेडियन शील्ड, और इसके पूरब में यहाँ पर है जो कि यूरोप के उत्तर में है, इसको स्कैंडियन शील्ड या इसको बाल्टिक शील्ड या इसको अंगारा शील्ड कहा जाता है, और यहाँ पर यह है साइबेरियन शील्ड। इस तरह से एक शील्ड, दो शील्ड और तीन शील्ड की कल्पना इन्होंने बताया। इसी तरह से इन्होंने दक्षिण में एक शील्ड की संकल्पना बताया जिसका नाम है आज अंटार्कटिका शील्ड। इस तरह से इन्होंने दृढ़ भूखंडों की बात किया, चार, एक दो तीन चार, और चार फेस हैं, एक दो तीन चार, जिसपे कि बड़े बड़े महासागर स्थित हैं, और तीन एज हैं, एक दो तीन, और इसमें महाद्वीप स्थित हैं, इस एज के सहारे महाद्वीप स्थित हैं। इस प्रकार से लुथियन ग्रीन ने इसको कहा टेट्राहेड्रन। टेट्राहेड्रन एक पिंड है और यह अपने अक्ष पर ऐसे घूम भी रहा है, लेकिन बाद में आलोचना में हम लोग देखेंगे कि कैसे यह घूर्णन संतुलन स्थापित नहीं कर सकता है, जो कि इनकी आलोचना होगी। और टेट्राहेड्रन के माध्यम से इन्होंने महाद्वीप और महासागर के वितरण की बात किया। इन्होंने एक बात और बताया कि जैसे हमारे महाद्वीप हैं तो महाद्वीपों का आधार उत्तर की तरफ है और उनका शीर्ष दक्षिण की तरफ है, जबकि महासागरों का आधार दक्षिण की तरफ है, शीर्ष उत्तर की तरफ है। हो सकता है कि इसी सेंटेंस को यूपीएससी में इलेबोरेट करने के लिए पूछा जाए।
तो इन्होंने इस तरह से महाद्वीप और महासागर की बात भी बताया। एक बात इन्होंने और बताया कि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप अधिक हैं। वो उत्तरी गोलार्ध महाद्वीपों का गोलार्ध है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागर अधिक हैं। फिर इन्होंने बताया कि कंटिनेंट्स और ओशन बेसिन्स एक दूसरे के प्रतिध्रुव स्थित हैं, विपरीत दिशा में हैं। जैसे आप देखें तो दक्षिणी ध्रुव पर अंटार्कटिका महाद्वीप है, जिसका एंटीपोड माने विपरीत उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक सागर है। और इसी तरह से यदि इस नॉर्थ और साउथ अमेरिका को देखें, इसके पीछे यहाँ देख रहे हैं तो ये पैसिफिक ओशन है, और इस रिज या इस एज के सहारे देखें तो इस महाद्वीप के ठीक पीछे यहाँ महासागर है, और इस एज के कॉन्टिनेंट के ठीक पीछे यहाँ महासागर है। इस तरह से इनके साक्ष्य या महाद्वीप और महासागर के वर्तमान वितरण को देखने से यह सिद्धांत बहुत ही आकर्षक लगता है। लेकिन इसमें कुछ वैज्ञानिक त्रुटियाँ भी हैं, जिसको इनकी आलोचना में हम लोग सीखते हैं। आइए देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से, ये एक जियोलॉजिस्ट भी थे और इंग्लिश अंग्रेज कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, का मतलब पढ़े लिखे विद्वान भी थे और राजनीति में भी सक्रिय थे। और इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन बेसिन्स की बात किया, केवल महाद्वीप और महासागर की उत्पत्ति की बात किया, न कि ज्वालामुखी के उद्गार की और मोहदार पर्वतों की, जैसा कि आगे के जियोलॉजिस्ट ने किया। और ये बात है 1875, बहुत पुरानी है। और इन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी एक टेट्राहेड्रल शेप की बन गई। क्यों बन गई, इसका कारण हम लोगों ने अभी सीखा, कूलिंग या शीतलन। और टेट्राहेड्रन एक शेप होता है जिसमें चार समान सतहें होती हैं, और चार समान सतहें अभी हम लोगों ने देखा मॉडल में, और ये प्रत्येक सतह इक्विलैटरल ट्रायंगल होती हैं। ये प्रत्येक सतह जो होती है समवायु त्रिभुज होती है, अर्थात इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, उतना ही इसकी भी बराबर होंगी, उतना ही इसकी। इसको ध्यान में रखे रहिएगा, क्योंकि इसी के आधार पर इनकी आलोचना की जाएगी। और कहा जाएगा कि प्रशांत महासागर विश्व के एक तिहाई क्षेत्र पर फैला है, और इन्होंने इस पूरे स्फीयर के परिवर्तित रूप टेट्राहेड्रल को चार फेस में बांट दिया। इसीलिए प्रशांत महासागर के अधिक क्षेत्र के कारण इनका यह सिद्धांत आलोचना का पात्र बनता है। और टेट्राहेड्रल वह पिंड होता है जिसका वॉल्यूम न्यूनतम होता है उसके सरफेस एरिया के रिस्पेक्ट में, जैसे यह टेट्राहेड्रन है। और किसी भी ग्लोब या स्फीयर को यदि एरिया माप लिया जाए, इसका क्षेत्रफल और एरिया इसका माप लें, तो एरिया तो पूरा क्षेत्रफल हो गया सरफेस का, और इसका वॉल्यूम इसके अंदर है। लेकिन अगर इसको संकुचन या किसी अन्य दबाव के द्वारा दबा कर चार फलक में बना दें, तो इसमें सरफेस और वॉल्यूम का एक रिलेशन देखना होगा, तो न्यूनतम वॉल्यूम वही रहेगा, उससे और अधिक दबाने पर फिर वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन एरिया में चेंज आ जाएगा। इस तरह से टेट्राहेड्रन या चतुष्फलक में उस स्फीयर को प्रेशर से दबाकर, चाहे आर्टिफिशियली कृत्रिम ढंग से या कूलिंग के कारण, तो इसकी परिभाषा ये होगी कि किसी भी टेट्राहेड्रन का न्यूनतम आयतन होता है उसके सरफेस एरिया के संदर्भ में, उससे न्यून वह नहीं हो सकता है। और इस तरह से किसी भी स्फीयर जैसे ग्लोब को दबाव द्वारा टेट्राहेड्रन या चतुष्फलक में परिवर्तित किया जा सकता है। हम लोग अभी एक वर्किंग मॉडल देख रहे थे, लेकिन आपको परीक्षा में यह मॉडल बनाना है, और इसी का ही वह एक रूप है। इस तरह से अगर देखेगा ऐसे,
देखिएगा इसको ऐसे मत कर दीजिएगा, ऐसे करने में क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर ऐसे है तो उत्तर में यह आर्कटिक सी है और दक्षिण में अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे उठा लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है, उठाने में सहूलियत तो है लेकिन उलट जाएगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर फिर अंटार्कटिका हो जाएगा, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। हम नॉर्थ के लोग तो ऐसा करेंगे तो एक अपराध होगा, लेकिन साउथ हेमिस्फीयर के लोग ग्लोब को ऐसा नहीं रखते हैं। हम लोग उत्तरी गोलार्ध लोग ग्लोब को ऐसा रखते हैं और साउथ हेमिस्फीयर के लोग इस स्टैंड को नीचे लगवा देते हैं, वैसा रखते हैं। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाएं, साउथ अमेरिका या साउथ हेमिस्फीयर में जाएं, कहीं पर भी, तो ग्लोब ऐसे रखा जाता है और वहाँ पर विश्व का मानचित्र भी ऐसे ही टंगा मिलता है। लेकिन हम लोग उत्तरी गोलार्ध लोग जाएंगे तो वहाँ लगेगा कि या तो हम शीर्षासन किए हैं या पृथ्वी ही शीर्षासन की है। इस तरह से ये मॉडल परीक्षा में आप बनाएंगे, जिसमें उत्तर में एक आर्कटिक सी है और यहाँ पर नॉर्थ और साउथ अटलांटिक ओशन है और ये इंडियन ओशन है, अब पैसिफिक ओशन या 3D है इसलिए पीछे चला गया। इस एज पर नॉर्थ और साउथ अमेरिका है, इस एज पर यूरोप और अफ्रीका है और यहाँ पर एशिया और ऑस्ट्रेलिया है और साउथ में जो शील्ड है वो है आपकी अंटार्कटिका। पहली शील्ड कनेडियन या लॉरेंसियन है, दूसरी शील्ड यहाँ पर स्कैंडिनेवियन या बाल्टिक या अंगारा है और तीसरी शील्ड यहाँ पर साइबेरियन है। इस तरह से हम लोगों ने 1, 2, 3 और 4 फेसेस देखे और इसके एज 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखे, इन पर के स्थल हैं, ऊंचे हैं और इन फेसेस पर समुद्र हैं, जैसा कि आपने अभी समुद्र की चर्चा किया और पीछे पैसिफिक ओशन है। लोथियन ग्रीन के चतुष्फलक सिद्धांत में हम लोगों ने 4 फलक, 6 एज और 4 एपेक्स में देखा कि किस तरह से उन्होंने महाद्वीप और महासागर के वितरण की बात किया। आइए हम लोग उनके कुछ हाइपोथेसिस यानी संकल्पनाओं की बात करते हैं कि उन्होंने कैसे प्रेजेंट को देखकर पास्ट को हाइपोथेसाइज किया। और इन्होंने बताया कि इन द बिगनिंग द अर्थ वाज स्फीयर ऑफ गैसेस, प्रारंभ में हमारी पृथ्वी, जैसा कि हम लोग चर्चा किए, गैसों का एक गोला थी। फिर बाद में क्या हुआ, वह गैस गर्म थी, धीरे धीरे शीतल होने लगी, शीतल होने से बाहर का भाग ठंडा होने लगा, कूलिंग होने लगी और इस तरह से वह कन्वर्ट हो गई, रूपांतरित हो गई किसमें, एक टेट्राहेड्रन या चतुष्फलक में, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने इस मॉडल में देखा। और फिर वह चतुष्फलक में कन्वर्ट हो गई और इन्होंने इस चीज़ का प्रमाण भी दिया कि यह शीतलन की प्रोसेस आज भी चल रही है, अर्थात आज भी हमारी पृथ्वी और अधिक टेट्राहेड्रन के स्वरूप में परिवर्तित हो रही है। और इन्होंने बताया कि जो ओशंस हैं वो 4 फेसेस पर, टेट्राहेड्रन के 4 फेस बने जिस पर कि ओशन बेसिन्स हैं, जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो साइड होते हैं, किनारे के मार्जिन होते हैं, जिनको एज कहा जाता है, त्रिभुज के किनारों पर कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे कि हम लोग अभी टेट्राहेड्रन में डिस्कस किए। फिर उन्होंने बताया कि जो टेट्राहेड्रन का एपेक्स होता है, एपेक्स माने शीर्ष, माने 1, 2, 3, 4 उन एपेक्स पर, शीर्षों पर टेट्राहेड्रन के शील्ड पाए जाते हैं। शील्ड माने अस्थाई दृढ़ भूखंड या अंगारा और गोंडवानालैंड के ओरिजिनल पार्ट्स, जैसे कि साउथ एपेक्स पर अंटार्कटिका शील्ड है और नॉर्थ में 3 शील्ड हैं, लॉरेंसिया,
स्कैंडिनेविया और साइबेरिया, जिसकी चर्चा हम लोग अभी टेट्राहेड्रन में किए थे। और इसके बाद फिर इन्होंने बताया कि नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध जो है वो लैंड हेमिस्फीयर है, स्थल गोलार्ध है, और दक्षिणी गोलार्ध महासागर का गोलार्ध है। इसको आप यदि मानचित्र में देखें तो देखने से लग जाएगा कि भूमध्य रेखा के उत्तर स्थल का अधिकांश क्षेत्र पाया जाता है और भूमध्य रेखा के दक्षिण महासागर या जल राशि ज़्यादा है। कभी कभी सामान्य अध्ययन में इसको इलेबोरेट करने के लिए पूछा जाता है कि आप सिद्ध करिए कि उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा स्थल है और दक्षिणी गोलार्ध में कम। तो उस समय लोथियन ग्रीन के टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस की याद आती है। और फिर इन्होंने बताया कि लैंड एंड वाटर बॉडीज आर ऑफ ट्रायंगुलर शेप, स्थल खंड और जल राशियां त्रिभुज के आकार की होती हैं। इसको समझने के लिए आपको वर्ल्ड के मैप को बड़े ध्यान से देखना होगा। नॉर्थ अमेरिका कैसे एक त्रिभुज है और साउथ अमेरिका भी त्रिभुज है, इस तरह से आपको यहाँ देखना होगा। और नॉर्थ अमेरिका यदि त्रिभुज है तो उत्तर में ज़्यादा चौड़ा है और दक्षिण में इसका शीर्ष एपेक्स है। और इसी तरह से साउथ अमेरिका भी त्रिभुज है, इसका आधार उत्तर और शीर्ष दक्षिण। और अफ्रीका भी कुछ इसी तरह से है, और इस तरह से यूरोप भी है, एशिया भी है। केवल इसका अपवाद ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है, शेष में इनका यह विचार पूर्ण रूप से वैज्ञानिक दिखता है। इस तरह से इन्होंने बताया कि जो बेस होता है उस कॉन्टिनेंट का उत्तर होता है अपेक्स साउथ। और इसीलिए देखेंगे कि पूरी दुनिया के हर महाद्वीप में जो पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है या नुकीला भाग है, वह दक्षिण की तरफ है, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका का हो, चाहे साउथ अमेरिका का टीरा डेल फ्यूगो या केप फ्रावर्ड, चाहे वह अफ्रीका कॉन्टिनेंट का हो, केप ऑफ गुड होप, केप अगुलहास, चाहे वह भारत का हो, केप कमोरिन, सब केप कॉन्टिनेंट के दक्षिण में हैं। इसको भी एक्सप्लेन करने के लिए अलग से पूछा जा सकता है, लेकिन यह ऑब्जर्वेशन लोथियन ग्रीन का था। लेकिन एक्सप्लेनेशन इसके बाद के सिद्धांत जैसे विग्नर और प्लेट टेक्टोनिक द्वारा ही इसको किया जा सकता है, लेकिन इनका ऑब्जर्वेशन निरीक्षण बहुत ही बारीक था। और इस तरह से इन्होंने बताया महासागर भी ट्रायंगुलर शेप के हैं, जिनका आधार दक्षिण की तरफ है और शीर्ष उत्तर की तरफ, अर्थात महाद्वीपों के ठीक विपरीत। इसको भी यदि मानचित्र पर देखें, जैसे नॉर्थ अटलांटिक ओशन तो इक्वेटर के पास चौड़ा है और उत्तर जाने पर ग्रीनलैंड के पास वह पतला हो गया है। इसी तरह से साउथ अटलांटिक ओशन को देखें, वो भी ट्रायंगल के शेप का है, जिसका आधार चौड़ा दक्षिण की तरफ है और उत्तर कुछ पतला हो गया है। हिंद महासागर पर भी अगर ध्यान दें तो दक्षिण में वह चौड़ा है और उत्तर में बंगाल की खाड़ी में जाते जाते पतला हो गया है। इस तरह से इनका यह भी ऑब्जर्वेशन तर्कसंगत ही है। और इन्होंने बताया कि आर्कटिक ओशन नॉर्थ पोल पर स्थित है, जो कि चारों तरफ स्थल खंड से घिरा हुआ है, और ठीक उसके विपरीत अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट साउथ पोल पर है और वह पूरा का पूरा जल राशियों से घिरा है। इस तरह से इन्होंने एक एंटीपोडल पोजीशन का विचार दिया। एंटीपोडल के बारे में हम लोग एस्ट्रोनॉमी में सीख चुके थे। एंटीपोडल माने प्रतिध्रुवस्थ, प्रतिध्रुवस्थ माने एक पॉइंट के ठीक अपोजिट स्थित पृथ्वी का पॉइंट। और इन्होंने बताया कि महाद्वीप के ठीक अपोजिट पीछे महासागर है, अर्थात कॉन्टिनेंट के पीछे कॉन्टिनेंट नहीं होगा बल्कि महाद्वीप के पीछे महासागर, और कहीं महासागर है तो उसके पीछे महाद्वीप मिलेगा। इस तरह से यह कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया और
कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन के वितरण को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध किया। हम लोगों ने लुथियन ग्रीन के टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस को सीखा, जिसमें पृथ्वी पर वर्तमान महाद्वीपों और महासागरों के वितरण को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने विचार को हाइपोथेसाइज किया, और यह यद्यपि तर्कसंगत लगता है लेकिन वैज्ञानिक रूप से न्यायसंगत नहीं लगता। इसलिए इनके सिद्धांत की, जो कि बहुत पुराना है, 1875 का है, आलोचना की जाती है। किस आधार पर वर्तमान सिद्धांतों और परीक्षणों और वैज्ञानिक उपलब्धियों के आधार पर, जैसे पहली आलोचना है कि टेट्राहेड्रन या चतुष्फलक में एक रोटेशनल बैलेंस घूर्णन संतुलन असंभव है। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। इस तरह से यदि इसका आकार टेट्राहेड्रन होता तो निश्चित रूप से जो ऊंचे भाग हैं बहुत ऊंचे हैं, जो गहरे भाग हैं बहुत गहरे हैं, तो दोनों के बीच घूर्णन संतुलन न बन पाता और एक अव्यवस्था हो जाती महाद्वीपों और महासागरों के वितरण में। दूसरी चीज है कि इन्होंने बताया कि हमारी पृथ्वी पर चार फेस हैं, 1, 2, 3, 4, और चार इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यदि बारीकी से अध्ययन किया जाए तो प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल पूरे पृथ्वी के क्षेत्र के एक तिहाई पर है। इसका मतलब प्रशांत महासागर वाला फेस ज़्यादा चौड़ा है, तो यह प्रशांत के अधिक क्षेत्र के होने का विचार भी टेट्राहेड्रल सिद्धांत के विरोध में है। अगला है कि अगेंस्ट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक। जैसा कि हम लोग सीख चुके हैं कि आज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, चाहे टेलर ने बताया हो, चाहे वेगनर ने, या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में, प्लेट टेक्टोनिक्स में कॉन्टिनेंट के खिसकने की बात कही गई है, कि इंडिया भी किस तरह साउथ पोल से आज यहाँ पहुँच गया है, उत्तर भी जा रहा है। यह नए परीक्षण और नए वैज्ञानिक अनुभूतियाँ भी इनके सिद्धांत का अनुमोदन नहीं करती हैं, और इसी तरह से यह सिद्धांत भूसन्नत के विचार के भी विपरीत है। जैसा कि अन्य विचारों में, चाहे होम्स का हो, वेगनर का हो, कोबर का हो, पर्वतों या मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति भूसन्नतियों से बताई गई है, लेकिन इन्होंने भूसन्नत की न तो कोई चर्चा किया और न तो पर्वतों की उत्पत्ति में कोई विचार दिया। इस तरह से इनके सिद्धांत की आलोचनाएँ होती हैं। फिर भी इनके सिद्धांत के आधार पर हम दो तीन अच्छे नतीजों पर पहुँचते हैं, जैसा कि उत्तरी गोलार्ध महाद्वीप गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध महासागर गोलार्ध है। यह प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है और अनेक भूगोल शास्त्रियों ने इस कंसेप्ट को कई बार कहा और लिखा है। और दूसरा है, महाद्वीप और महासागर प्रतिध्रुवस्थ हैं, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसी तरह से इन्होंने जो महाद्वीप और महासागर का ट्रायंगुलर शेप बताया, और बताया कि महाद्वीपों का शीर्ष उत्तर और उनका एपेक्स दक्षिण होता है, वो भी बात सत्य होती है। इस तरह से इनके सिद्धांत में सबसे पहले आप टेट्राहेड्रन का कंसेप्ट देंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी या स्फीयर संकुचित होकर टेट्राहेड्रन का शेप ले लेता है, और उसके आधार पर इन्होंने टेट्राहेड्रन में कैसे फेसेस पर महासागर और एजेज पर महाद्वीप और एपेक्स पर सील की व्याख्या किया, इसको लिखने के बाद फिर इनकी कुछ आलोचनाएं लिखकर इनके सिद्धांत का मूल्यांकन करेंगे।